बात करते हैं पठानसूर के आलोर गांव की, जहां कोविड 19 का जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उस सेंटर में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, जिस कारण से जो लोग वहां आ रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आए गांव के युवक का कहना है कि उसे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है और इस क्वारंटाइन सेंटर में सैनिटाइजेशन भी नहीं किया जा रहा है। फ्लाइट से रायपुर आए, रायपुर से हमारा जो सेट है वो पर्सनल गाड़ी कर दिया, यहाँ के छोड़ दिया और कल रात से यहीं पे भूखे पैसे यहीं पे सोए हुए। कल रात को 12 बजे नहीं क्वारंटाइन सेंटर इंचार्ज को फोन किया गया, वो उठा ही नहीं रहा और यहाँ पे जो गार्ड था वो फोन किया, उसका फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। कि मेरा सुविधा कोई सामान सचिव तक नहीं दिया, मैं घुस नहीं सकूंगा, कोई सामान नहीं है, सैनिटर नहीं है, ना आपका कवर अंदर कुछ नहीं मेरे पास, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकूंगा। सचिव तो कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता, फोन करता हूँ हाँ आऊंगा, हाँ ठीक आ रहा हूँ, बस कोई ये रात को इनके पिताजी से मेरा 8:30 बजे रात को मेरे फोन किया कि मेरा लड़का रायपुर में है, रात को 2-3 बजे आएगा। तो ये मैं गांव के मुखिया जी से बात करके बता दिया था कि वो आएगा, तो और जो लड़का रहता है उसको भी बता दिया था। अभी लोग आए, गेट भी खोल दिए, लेकिन ये लड़का यही पे रहा। तो मैं सोया हुआ था, 2 बजे करीब फोन आया, तो सवेरे आया तो अभी करीब मतलब दिया था, खत्म हो गया तो मेरे को बोला नहीं ना। बिलासपुर में भी कोरोना की